Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ बुशरा खान। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें फलाही रियासत क्या होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क की तामीर और तरक्की निचली सतह से शुरू होती है। पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर गामजन करने के लिए कोशिशें। न्यू ईयर नाइट हवाई फायरिंग करने वालों पर इकदाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची में साल नौ के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इकदाम। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टैंक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दो दहशतगर्द हलाक, चार जवान शहीद। एक दहशतगर्द को हथियारों और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में बड़ी मिकदार में हथियार और गोलियां तहवील में ली गई हैं। कोरोना का फैलाव जारी, 515 नए केसेस सामने आ गए, 6 अफराद जा बहक। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 28,927 हो गई है, जबकि पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 10,112 है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर गामजन करने के लिए कोशा है। मगरबी ममालिक में फलाही रियासत नजर आती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछे फलाही रियासत क्या होती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 3 करोड़ खानदानों को आज मार्च तक पूरी सबको मिल जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर गामजन करने के लिए कोशा है। मगरबी ममालिक में फलाही रियासत नजर आती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछे फलाही रियासत क्या होती है। तफसीलात के मुताबिक सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पंजाब के हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफसोस है फलाही रियासत का माहौल मुसलमान दुनिया में नज़र नहीं आता। मगरबी ममालिक में फलाही रियासत नज़र आती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें फलाही रियासत क्या होती है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ खानदानों के लिए 400 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत कार्ड मुल्क को कहां लेकर जाएगा ये आपको वक्त बताएगा। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे ने अस्पताल बनाने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं किए। अब हमारा प्राइवेट सेक्टर अस्पताल बनाने के लिए पैसा खर्च करेगा। हेल्थ स्ट्रक्चर क्यों बन जाएगा? क्योंकि अभी तक हुकूमत को पैसे खर्च करके हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं। अभी उस्माना ने आपको बताया, CM ने, कि कितने ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे ने इतने पैसे नहीं खर्च किए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। लेकिन अब आपको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल बनाने के लिए। अब लोग खुद आके प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल बनाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तारीख में पहली बार बैंकों से कम आमदन वालों के लिए कर्ज का बंदोबस्त किया। कानून की तब्दीली के लिए हमें बैंकों की मदद करनी पड़ी। अब तक 34 अरब कम आमदन के घर बनाने के लिए कर्ज दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एहसास राशन से 54% घरानों को 30% कम पर राशन दे रहे हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में 5 लाख तक सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मुल्क की तामीर और तरक्की निचली सतह से शुरू होती है। मार्च 2022 तक पूरे पंजाब के घरानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर गामजन करने के लिए कोशा है। कि आपने ये फैसला किया कि हर पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं।
सूबे सिंध के दारुल हुकूमत कराची में साल नौ के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए। सीवीयू जाने वाले रास्ते पर अहलकार तैनात होंगे, जबकि बगैर साइलेंसर वाली किसी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ा जाएगा। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। सूबे सिंध के दारुल हुकूमत कराची में साल नौ के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। सीवीयू जाने वाले रास्ते पर अहलकार तैनात होंगे, जबकि बगैर साइलेंसर वाली किसी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक साल नौ के मौके पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। एसएसपी साउथ जुबैर नज़ीर का कहना है कि मजमूई तौर पर 2250 अहलकार तैनात किए जाएंगे। मुख्तलिफ रास्तों पर 1557 अफसरान और अहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। एसएसपी का कहना है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इकदाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 6 पुलिस लाइन्स हैं, कोई पुलिस अहलकार या उसका रिश्तेदार फायरिंग ना करे। पुलिस लाइन से बाकायदा सर्टिफिकेट लिए गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों पर नाके लगाए जाएंगे। एसएसपी के मुताबिक हसास मकामात की छतों पर पुलिस अहलकार तैनात होंगे। सीवीयू पर एसएसयू के अहलकार भी तैनात होंगे। तमाम हसास मकामात पर नफरी तैनात की जाएगी, बगैर साइलेंसर वाली किसी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस सिक्योरिटी को मजमू तौर पर 9 सेक्टर्स पर बनाया गया है। एफटीसी से 2 दरिया, 3 तलवार से अख्तर कॉलोनी काला पुल तक 11 अफसरान मौजूद होंगे। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि मादरे वतन की हिफाजत पर मामूर 4 जवानों ने शहादत का रुतबा पाया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि मादरे वतन की हिफाजत पर मामूर 4 जवानों ने शहादत का रुतबा पाया है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त शाहजेब उर्फ जाकिर और दानियाल के नामों से हुई है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और दीगर वाकयात में मतलूब थे। ऑपरेशन में बड़ी मकदार में हथियार और गोलियां तहवील में ली गई हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में की, जहाँ दहशतगर्दों की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। इस दौरान एक दहशतगर्द को हथियारों और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 4 अहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में हवलदार मुनव्वर, सिपाही जकाउल्ला, सिपाही फरहान और सिपाही शिराज शामिल हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 515 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मजीद 6 अफराद जा बहक हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 515 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मजीद 6 अफराद जा बहक हुए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमुई अमवात की तादाद 28,927 हो गई है, जबकि पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 10,112 है। मुल्क में 12,95,376 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, 12,56,337 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक 515 नए केसेस सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.07 रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में सबसे ज्यादा केसेस सूबा सिंध में 4,81,689 हो गए, पंजाब 4,44,977, खैबर पख्तूनख्वा 1,81,370, बलूचिस्तान में 33,633 केसेस रिपोर्ट हुए, इस्लामाबाद 1,08,618, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 10,429 अफराद वायरस से मुतासिर हैं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। टैग टीवी ब्रिंग्स यू डेली न्यूज बुलेटिन फ्रॉम पाकिस्तान, ब्रेकिंग न्यूज, व्यूज एंड हेडलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदी। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना,
अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के महाफजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, तारा, सना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टेक टीवी पाकिस्तान।